समझ में आता है। तो हाँ इसकी जो यूनिट हो जाएगी न्यूटन वो हो के जाएगी पास। कूलम स्क्वायर बाय हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ सही है। तो ये तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड आ रही है, क्या आ रही है इसकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। हाँ और ठीक डायरेक्शन है। नहीं आ रहा अभी, है ना? हाँ, डायरेक्शन के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास में नहीं है फिलहाल। नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले तो इस फोर्स के बारे में कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस बात हुई। सम जनरल ऑब्जर्वेशंस हैव बीन डन फॉर दिस फोर्स। तो ऑब्जर्वेशंस की बात कर लेते हैं। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस इसमें आए अपने पास। और तो नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। हाँ सर, न्यूटन सही। का लॉ है ना एक। हाँ, बस वही वही समझाया जा रहा है। तो जब ऐसा देखा गया तो इसको क्या बोला, दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। क्या बोला गया, हाँ एक्शन रिएक्शन पेयर्स। एक्शन रिएक्शन पेयर्स के बारे में बात की। मतलब ये न्यूटन का थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे थे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट हाँ, रिएक्शन, है ना? तो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो गया। सही है। तो पहला चीज जो अपने को दिमाग में रखना है, कोलंबिक जो फोर्सेस आते हैं उसमें जो भी फोर्सेस लगेंगे वो इक्वल एंड अपोजिट पेयर में लगेंगे, मतलब एक्शन और रिएक्शन पेयर्स में लगते रहेंगे। सही है। ये तो पहला ऑब्जर्वेशन देखा गया उन्होंने। ठीक है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो